जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी भारत के तटीय मैदान को पढ़ चुके थे, आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए भारत की समुद्री सीमा को पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद क्लास हुई। उसका कुछ रीज़न था कि मेरा व्हाइट बोर्ड ख़राब हो चुका था, इसी वजह से। मतलब इस पर अगर कोई भी एक चीज़ को हम डिस्क्राइब करने के लिए लिखते थे तो वो मिटता ही नहीं था, और जब वो मिटता नहीं था तो नई चीज़ें लिख नहीं सकते थे। तो इसी नए व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था करने में काफ़ी समय लग गया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग उसी एनर्जी के साथ फिर से पढ़ेंगे। और आज आपने थंबनेल में तो देख ही लिया कि हम पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा। अब कह लीजिए भारत की समुद्री सीमा, या कह लीजिए किसी भी देश की, विश्व में किसी भी देश की कुछ ना कुछ समुद्री सीमा तो होगी, क्योंकि जब हर देश की अपनी एक लैंड बाउंड्री है, हर देश की लैंड बाउंड्री यानी भूमि सीमन फिक्स है, तो किसी भी देश की समुद्री सीमा क्यों नहीं फिक्स होगी। तो इसी चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1982 को देखना पड़ेगा। ये संस्था बनाई गई यूनाइटेड नेशन द्वारा, जो कि किसी भी देश के समुद्री सीमा को डिसाइड करेगी, मेरी टाइम लाइन को डिसाइड करेगी। जी हाँ, ये वही संस्था है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1982 में बनाया गया। और इसने बताया कि किसी भी देश की समुद्री सीमा क्या होगी, इसी ने डिसाइड किया। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो कोई भी किसी देश की समुद्री सीमा में घुस जाएगा और वहाँ से आक्रमण कर लेगा, या कुछ भी कारण हो सकता है उसका, समुद्री व्यापार को देखते हुए। ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनके लिए ये बाउंड्री बनाना, ये मेरी टाइम लाइन बनाना, ये समुद्री सीमा बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए हमें चार टर्म पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टेरिटोरियल सी। दूसरा हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्टिजुअस जून, कॉन्टिग्यूअस जून। और तीसरा हमें पढ़ना पड़ेगा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जून। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ पढ़नी है जिसे कहते हैं हाई सी। ये इन्हीं चार जोन के बाद या लाइन के बाद ही हमारी समुद्री सीमा डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं, इन चार चीज़ों को ही समझना है आज के वीडियो में। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारत की या किसी भी देश की आप समुद्री सीमा आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे। तो समझते हैं किसी भी देश की समुद्री सीमा। ठीक है, अब हमें इन चार टर्म को ध्यान में रखते हुए ही भारत की समुद्री सीमा को देखना है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले हम इन चार चीज़ों से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत देश हो या किसी भी देश, जिसकी जो बाउंड्री लगती हो वो अगर समुद्र से लगती है, यानी वो अगर कोई समुद्री सीमा बना रहा है, तो उसका जो तट होगा, जो कोस्ट होगा, वो सीधा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समुद्री लहरें आएंगी, बार बार उसे उस पर धक्का देंगे। ठीक है, उस पर टक्कर मारेंगे, जिनसे उसका जो शेप होगा वो बिगड़ता रहेगा। तो हम ये दूरी कि यहाँ से कितने एरिया तक में इस भारत देश की समुद्री सीमा है वो कैसे डिसाइड कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन्हीं तटों के जो टूटे फूटे आकार हैं, देखिए आप इसको और जूम करेंगे, आप मैप को अपने गूगल मैप को मोबाइल पर खोलिए, ठीक है, और उसमें इंडिया को या किसी भी देश की जो कि वाटर बाउंड्री बनाते हों, ठीक है, मेरी टाइमलाइन बनाते हों, उस पर जूम करके देखिएगा, तब आपको क्लियर दिखेगा कि जितना सीधा ये मैप पर दिखता है रियलिटी में है नहीं उतना सीधा। ठीक है, तो कैसे इस दूरी को ली जाए, तो इस दूरी को लेने के लिए हम ये जो टूटा फूटा आकार है, ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसा जो आकार है, इसको सीधा करते हैं, सीधा मानते हैं। ठीक है, इस टूटे फूटे आकार को सीधा मानने के लिए एक लाइन हम मान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं आधार रेखा, याद रखिएगा, बेस लाइन। ठीक है, तो किसी भी समुद्री तट के टूटे फूटे आकार को एक सीधा शेप देने के लिए जिस रेखा को हम मानते हैं, अब ये कोई रेखा लाइन तो खींची जा नहीं रही है, ठीक है, जिस रेखा को हम मानते हैं, जिससे कि हम उस टूटे फूटे जो तट है उसको एक सही आकार मिले, तो उस लाइन को हम बेस लाइन यानी आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आधार रेखा कहते हैं। अब ये आधार रेखा के अंदर आप देख रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो वाटर आ ही जा रहा होगा, समुद्र का पानी तो आएगा ही। इस जल को कहते हैं आंतरिक जल, ठीक है, जो तट को जो टूटा फूटा आकार था तट को, वो सही आकार देने के लिए जिस लाइन या जिस रेखा को हमने खींचा उसे बेस लाइन या आधार रेखा कहा गया। ठीक है, और समुद्री तट, ठीक है, इस तट पर
और इस आधार रेखा के बीच में जो पानी है उसे आंतरिक जल कहा गया, इंटरनल वाटर कहा गया। ठीक है, अब चलते हैं इन चार चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, अब यहीं से शुरुआत होगी कि भारत की समुद्री सीमा कहाँ तक है। देखते हैं, देखिए इसी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील आगे जाने पर, इसी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, ठीक है, ये सारी चीज़ें 20 लाइन से काउंट होंगी, याद रखिएगा आधार रेखा से। अब पहले नॉटिकल मील ही समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मल हम जो दूरी जमीन पर तय करते हैं उसे हम किलोमीटर मीटर या किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो भी समुद्री दूरी तय करेंगे उसे हमेशा नॉटिकल मील में तय करेंगे। ठीक है, किस में? नॉटिकल मील, एक्चुअल में इंग्लिश मुझे याद नहीं आ रही इसकी, के से आई थिंक स्टार्ट होगा, देख लीजिए नॉटिकल मील। तो ये नॉटिकल मील में दूरी होती है, लेकिन हम लोग तो जनरली सारी दूरियां किलोमीटर मीटर, ठीक है, डेकामीटर, सेंटीमीटर, इन्हीं सब में पढ़ते हैं, तो हम क्यों नहीं इसे चेंज कर लें। तो समुद्री सीमा आप याद रखिएगा, कोई भी समुद्री दूरी किस में तय करते हैं, किस यूनिट में तय करते हैं, तो नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील में कितना होता है भैया किलोमीटर? तो 1.852 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर, यानी लगभग मैं आप 2 किलोमीटर मान सकते हैं, 1850 मीटर की बात कर रहा है ये। ठीक है, किलोमीटर में हम लोग देख लेते हैं। तो समझ लीजिए आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील जब आप दूर चले जाएंगे अपने समुद्र की तट से, तो उतना जो एरिया होगा उसे कहा जाता है टेरिटोरियल सी। ठीक है, यानी उतने एरिया में अगर वो भारत देश है तो किसी अन्य देश का जहाज वहाँ पास आना वर्जित है। जैसे ही आएगा इंडियन नेवी की जहाज उसे मार देगी बिना उससे पूछे, वो भले गलती से आ गया हो चाहे जैसे आ गया हो, याद रखिएगा ये भारत की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। टेरिटोरियल सी पर किसी अन्य देश का, मान लीजिए भारत का है यह, और वो किसी दूसरे देश के टेरिटोरियल सी यानी उस देश की समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील के अंदर वाले एरिया में घुस जाता है तो वो भी मार दे। ठीक है, समझ रहे ना? तो टेरिटोरियल सी को हिंदी में यही मेन समुद्री सीमा है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील, इसके अंदर कोई भी दूसरे देश का जहाज आना बिल्कुल वर्जित है। आगे बढ़ते हैं, आधार रेखा से यानी बेस लाइन से अगला जो 12 नॉटिकल मील होगा, ठीक है, समझिएगा आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, लेकिन समुद्री सीमा से यानी टेरिटोरियल सी से अगला 12 नॉटिकल मील, या कह लीजिए आधार रेखा से, ठीक है, ये है आधार रेखा, सॉरी आधार रेखा से कितना? 24 नॉटिकल मील अगर आप चलते हैं, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील अगर आप चल जाते हैं, तो उस एरिया, उस जोन को कॉन्टिग्यूअस जोन कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस जोन या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। कितना नॉटिकल मील? 24 नॉटिकल मील। ठीक है, आधार रेखा से बेस लाइन से इतनी दूरी पर कोई दूसरे देश का जहाज आ तो सकता है, किसी दूसरे देश का जहाज आ तो सकता है। ठीक है, लेकिन हम उससे कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे, ना कि उसे मारेंगे। ठीक है, उसे मारेंगे नहीं, वो आ सकता है, यानी इसके अंदर किसी दूसरे देश का जहाज आ गया तो इस वाले दायरे में आ सकता है, वो इस वाले दायरे में आके घूम के चला जाएगा, तो हम उससे यहीं पास कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ये एक टैक्स है जो लिया जाता है, तो कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे, उसे पैसे लेंगे और उसे जाने देंगे। लेकिन अगर वो इसके अंदर आ जाता है, टेरिटोरियल सी में आ जाता है, तो तुम उसे तुरंत मार देगी, नेवी तुरंत मार देगी, यहीं कोस्ट गार्ड लगी रहती है, कोस्ट गार्ड की छोटी छोटी जहाजें होती हैं, वो सब देखती रहती हैं, यही सब उनका काम ही है। ठीक है, अब चलते हैं, तो आपको समझ में आया, इस यही 24 नॉटिकल मील यानी ये जो कॉन्टिग्यूअस जोन है यानी ये संलग्न क्षेत्र है, यहाँ पास हमें ये अधिकार होता है कि हम यहाँ साफ सफाई करेंगे, इस एरिया में हमें साफ सफाई रखनी है। ठीक है, यहाँ जो भी अन्य जहाजें आती हैं उनसे हम टैक्स वसूल करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसका दायरा थोड़ा बड़ा होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, याद रखिएगा आधार रेखा से कितना? 200 नॉटिकल मील का जो जोन होता है, जो एरिया होता है, ठीक है, वहां कौन सा क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी इस दूरी तक कोई भी देश का जहाज जा सकता है, घूम सकता है, ठहर सकता है, उससे हम कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ आइए, किसी भी मलेशिया का आता है, ठीक है, चाइना का आता है, हम कुछ नहीं करेंगे उसे, वो घूमे ठहरे कुछ भी करे। लेकिन अगर वहाँ कोई खनिज वाली चीज़ें पाई जा रही हैं, पेट्रोलियम पाया जा रहा है, कोयला पाया जा रहा है, और अगर उसका शोधन वो शुरू करता है या उसे खनन करने लगता है, उसे निकलता है, तो हम उसे नहीं ले जाने देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है,
फ्यूचर के लिए है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ हम टैक्स नहीं लेंगे किसी भी देश के जहाज से, बल्कि उसे आने से रोकेंगे भी नहीं। लेकिन अगर वो हमारे समुद्र में पाई जाने वाली, उस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी भी पेट्रोलियम, सोना, कोयला, कुछ भी अगर खोजता है, ठीक है, तो उसे हम रोकेंगे। और वो अगर खोज लेता है तो किसका होगा, हमारा होगा, ठीक है। यानी उसकी आर्थिक जो भी गतिविधियाँ होंगी उस पर किसका अधिकार होगा, तो वो हमारा अधिकार होगा, समुद्र से, समुद्री तट से, यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील पर, ठीक है। और उसके आगे वाला जितना पार्ट होता है, यानी 200 नॉटिकल मील के आगे, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील से आगे आएंगे, तो वहाँ हाई सी लग जाता है। इस पर कोई भी देश आए, कुछ भी करे, गंदा करे, सुखा दे, हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक ही हमारा अधिकार है, और 200 नॉटिकल मील पर भी हमारा अधिकार केवल आर्थिक क्षेत्र पर ही है। आर्थिक क्षेत्र पर इन द सेंस कहने का मतलब है कि ये इसलिए बनाया गया कि भारत फ्यूचर में कभी इसरो ने कोई बड़ा चीज़ लॉन्च किया, कोई बड़ा रिक्टर बनाया, या परमाणु बम की और कोई श्रृंखला आई, ठीक है, तो उस पर जो हम लोग प्रयोग करेंगे, जो परीक्षण किया जाना है, वो अब भारत में तो रह के किया नहीं जा सकता, जनसंख्या इतनी भयंकर है, ठीक है, तो दूरी रहेगी समुद्र पर हमारा। और साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे खाने हैं, ठीक है, खनन करने के लिए जमीन में दबा पेट्रोलियम भरपूर है। आपको बता दें कि इतने बड़े भारत देश में कहीं भी पेट्रोलियम शोधन नहीं है, ठीक। बॉम्बे हाई, यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई से सामने देखेंगे तो इधर वाले एरिया पर भारत में पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है, तो उस जगह का नाम बॉम्बे हाई है। सोच रहे हैं, समुद्र से तेल निकाला जा रहा है, तो इस समुद्र बिल्कुल हमारे लिए खजाना है, और हम कैसे किसी दूसरे को दे दें, तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें की गई। तो आपने चार चीज़ें देखी, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील अगर आप दूर जाएंगे तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, टेरिटोरियल सी। उसके बाद बेस लाइन से अगर आप 24 नॉटिकल मील जाएंगे तो उसके बाद कॉन्टिग्यूअस जोन, यानी कि संलग्न क्षेत्र चालू हो जाएगा। बेस लाइन से अगर आप 200 नॉटिकल मील पर जाएंगे तो वहाँ पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र लग जाएगा। और उसके बाद हाई सी, वहाँ हमारा कोई अधिकार नहीं है, वहाँ सारे देश का समान अधिकार है, यानी हम भी घूम सकते हैं, वो भी घूम सकते हैं, सारे देश का समान अधिकार है, ठीक है। अब हमारे लिए फायदे में ये है कि इतना समुद्र पर हमारा अधिकार है। और इधर ही आपको पता है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार आ जाता है, तो उसका भी तो वही चीज होगा, उसका ही आधार लाइन, उसकी भी आधार रेखा होगी, आधार रेखा से टेरिटोरियल सी होगा, समुद्री सीमा होगी, फिर उसके बाद उसका भी संलग्न क्षेत्र होगा, फिर उसका भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। तो इस हिसाब से पूरे आधे हिंद महासागर में तो केवल भारत का ही कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद जगह है, ठीक है। उम्मीद है आपको समुद्री सीमा समझ में आई होगी कम्प्लीटली। तो एक नॉटिकल मील में समुद्री दूरी कैसे तय की जाती है, तो नॉटिकल मील में, एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। चार चीज़ों में, अनक्लॉस 1982 में संस्था ने ही समुद्री सीमा कैसे डिसाइड किया, इन्होंने ही बताया कि 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील पर, या 200 नॉटिकल मील, या उसके आगे कैसी व्यवस्था होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।